अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आबिद रहमानी एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों 10 अगस्त हफ्ते का दिन 2024 सुबह 8:30 बजे का टाइम है। मैंने कहा जाके देखूँ लोग पहुँचे हुए हैं कि नहीं पहुँचे हुए हैं। दोपहर 144 अभी भी समुंदर पे लागू है और नहाने पे पाबंदी है, लेकिन लोग माशाल्लाह यहाँ सवेरे सवेरे पहुँचे हुए हैं। मेरे इस साइड भी आप देखें तो ये वो जगह मुकाम है जहाँ हम थोड़ा लाल झंडे लगाए होते हैं कि आपने ख्याल करना है इस जगह पे। तो ये वो जगह है यहाँ पर नहाना थोड़ा मना है। यहाँ पानी की लहरें आप देखें, खड्डा है और लहरें। अभी पानी नीचे की तरफ है, पानी काफ़ी नीचे उतर चुका है। अभी जो है तकरीबन 1 घंटा जो है लगेगा और पानी दोबारा ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगा। तो पानी का बहाव तेज़ है, वो पानी आपको जब पानी की थोड़े सी गहराई में आप जाएंगे तो पानी वापसी जाते हुए आपको बहुत ज़ोर से खींचता है, बहुत ताकत से खींचता है। आपने आना है अपनी पिकनिक के लिए बहुत एहतियात के साथ, अपने बच्चों का ख्याल करना है, अपना ख्याल करना है और गहरे पानी से शोबाजी में नहीं जाना है। ये देखें लहरें, देखें आप, मैं आपको करीब दिखा रहा हूँ कि अभी मैं फैमिलियों से उस तरफ भी फैमिली दूर तक मुझे नज़र आ रही हैं और इस तरफ भी दूर तक फैमिली नज़र आ रही हैं। देख लें आप, बादल आए हुए हैं, धूप नहीं अभी आई, तो पानी का कोई भरोसा नहीं होता है, पानी का किसी टाइम भी बढ़ सकता है। तो आज में हम कोशिश करेंगे, स्विमिंग भी करेंगे पानी में, आज समुंदर में आपके साथ शेयर करूँगा कोई अगर कर सका तो, मौका मिल गया। देखें मुझे स्विमिंग आती है, मेरा भी मूड हो रहा है मैं स्विमिंग करूं, लेकिन काफ़ी अर्से बाद स्विमिंग के लिए जब पानी में उतरूंगा मुझे खुद नहीं आइडिया कि मेरा स्टेमिना कितना है, क्योंकि मैंने रनिंग नहीं की है, स्विमिंग नहीं की है, मेरा स्टेमिना लूज़ है। अगर मैं पानी में जाऊं और मेरे मसल पट्ठे चढ़ जाएं और मैं एकदम वहाँ पर पानी स्विमिंग कर ना सकूँ और गहरे पानी में डूबने लगूँ, तो मेरे लिए कोई लाइफगार्ड होना ज़रूरी है। जब तक कोई लाइफगार्ड नहीं आएगा मैं पानी में बिल्कुल नहीं उतरूंगा। हालांकि मैं स्विमर हूं, स्विमिंग जानता हूं, सारा कुछ आप समझते हैं, मैं ड्राइवर भी हूं, सब कुछ हूं, लेकिन मुझे खुद भी बस का खौफ आता है मैं अकेला इस पानी में उतरने से गुरेज करूंगा। अभी ये ताकत से मुझे पानी खींच रहा है। तो बहरहाल मतलब कहने का सर ये है कि सेफ्टी ज़रूरी है। मैं स्विमर हूँ लेकिन अपने पीछे लाइफगार्ड जब तक मेरे नहीं होगा उस टाइम तक मैं पानी में स्विमिंग नहीं करूंगा। तो आज मैं आपके साथ अपनी इंशाल्लाह स्विमिंग शेयर करूंगा। 9:15 हो गए हैं और फैमिलीज पानी में चले गई हैं और तेज़ बारिश शुरू हो चुकी है और बहुत ही खूबसूरत मौसम हो चुका है। लोग रुकते नहीं है पानी में और पानी की लहरें जो है ना डेंजरस है।
आजो भाई खतरनाक ले जाएगा पानी आपको। नहीं रुक पाएंगे आप भाई, ले जाएगा। उठो 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 उठो, कहाँ इनकी जान में ताकत नहीं है, आपकी ताकत है, उसमें ताकत नहीं है बकरों में। आगे हो रहे हो, फिर ज्यादा आगे हो रहे हो। बच्चे हैं आप, तीन बच्चों को चार बच्चों को नहीं संभाल सकोगे। आप एक बच्चे को संभालोगे, ये तीन चार को नहीं संभाल सकोगे, थोड़ा ख्याल करो। ये फेंकना नहीं बनता है साहिल पे साइड पर, लेकिन ये साहिल के बिल्कुल किनारे पे भी गंद फेंक रहे हैं, तो वहां से उठा के मैंने तो यहाँ फेंका, लेकिन लोगों को ख्याल करना। ये जो लोग है इसको नजर आ रहा है खड्डा है, इन लोगों को नजर आ रहा खड्डा ना, इनको नजर आ रहा है लेकिन इनको इलम भी नहीं है। आपने समझाया ना इनको, ये समझते कि मैं जान पे खड़ा हूँ, मैं इसके आगे जा नहीं सकता। आपने आपने समझाओगे समझा को लेके, आपने समझाया उनको बिल्कुल ना, मेरा फर्ज है सबको समझा ना। ठीक ठीक, मेरा पहला फर्ज है ये, मेरा फर्ज भाई लोगों को देखना चाहिए कहाँ खड्डा है कहाँ वो है, थोड़ा पॉइंट देख के नहाना चाहिए, ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाहिए। जी जी, पानी में तब नहीं नहीं फिर थोड़ा कभी कभी बीच में कोई ऑन कर लेना, ये मेरा उठा लेना, ये यहीं पे रखना, मसला नहीं है। रहमानी साहब जा रहे हैं भाई नहाने, माशाल्लाह जून जुलाई के सीजन में माशाल्लाह बड़ा अच्छा तैराकी करता है, क्या बात हुआ था। रहमानी साहब ने बड़ा अच्छा डाइव मारा माशाल्लाह, अभी फिंस पहन रहे हैं, फिंस पहनने के बाद वो चलेंगे गहरे पानी में माशाल्लाह भाई। चलो रहमानी साहब चलो, रहमानी साहब जा रहे हैं भाई। अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे पास लाइफ गार्ड में आपके पास लाइफ गार्ड स्विमर डाइवर अपने सेफ्टी के लिए लाइफ गार्ड को ले रहा हूँ। तो जो लोग आपने मेरी वीडियो ली है पानी के अंदर, बिल्कुल बिल्कुल मैं डाइवर हूँ स्विमर हूँ, लेकिन बहुत फासले के मतलब बहुत टाइम के बाद स्विमिंग कर रहा हूँ, मुझे चक्कर आ रहे हैं, तो लोग यहाँ पानी में आते हैं डायरेक्ट पानी में घुसते हैं, वो तैरना भी नहीं जानते। बिल्कुल क्या मैंने आपके बगैर मौजूदगी में नहीं ड्राइव किया है, आपने कहा कि लाइफ गार्ड आएंगे तब मैं जाऊंगा सेफ्टी पर, हाँ जहाँ मैं गा था वहाँ पर पाऊँ नीचे नहीं लग रहे थे, बिल्कुल गहराई है ना, आप तो समझते हो, लेकिन अभी मुझे निकल के ना ऐसे ज़मीन घूम रही है। आपको ड्यूटी दी थी कि मैं अंदर जा रहा हूँ मेरा ख्याल करना, आप भी बैठे हुए थे सही है, आप मेरे साथ आगे थे किनारे में, हालांकि मैं ये सिर्फ में जो मुझे 5 महीने या 6 महीने हो गए मैंने स्विमिंग नहीं की है, आज इतने अरसे बात की, बाहर निकल के मुझे देख रहा था, मेरे कैमरे में शायद शूट हुआ है, मुझे चक्कर आ रहे थे घूम रहे, क्योंकि आप इतने अरसे बात करोगे ना काम, एक बंदे ने रनिंग छोड़ी हो उठ के 4 किलोमीटर स्पीड में दौड़ना शुरू करे तो क्या होगा, जिसने 6 महीने साल रनिंग ही ना की हो तो उसको स्टेमिना बनाने के लिए कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो लोग थोड़ा बहुत समझते हैं हम जानते हैं, और इस मतलब सख्त समुद्र में ये लोग जो है
अब ये बच्चे हैं, ये बच्चे बहुत खतरनाक हैं। मुझसे नहीं, अपने पाँव पे खड़ा हुआ जा रहा था। मेरा कद देखे, मेरी जान देखे, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। आप तो काफी अंदर थे, मैंने आपको देखा। लेकिन मैं काफी अंदर था या किनारे पे, मुझसे नहीं खड़ा हुआ जा रहा, अंदर सही हूँ। अच्छा, ये लोग भी तजुर्बेकार हैं, बच्चे यहाँ के हैं, इनकी पैदाइश भी इन इलाकों में, पानी में ये बचपन से खेलते हैं। किनारे पे ये खड़े नहीं हो सकते हैं, ये क्या है, उठा के मारेगा पानी दरस अंदर, ये लोग शेर हो जाएंगे किनारे पे। ये लोग भी खतरनाक, लहर आती है देखते नहीं, उसके नीचे डुबी मारते हैं, ऊपर लहर अगर इसको लगी तो ये लहर थप्पड़ मारेगी। तो मैं खुद इनको अपने पीछे लाइफ गार्ड के तौर पर, सिक्योरिटी के तौर पर बिठा के गया हूँ कि अगर मुझे कुछ होता है खुदा नवाजता तो आपने मेरा, मुझे रिकवर करना है। तो लोग कुछ जानते भी नहीं आगे पानी में घुसते हैं, ख्याल करना चाहिए ना, ख्याल करना चाहिए। क्या ख्याल है मुजाहिद भाई? मैंने 3 घंटे इंतजार किया है, मैंने स्विमिंग नहीं की जब तक ये लोग आए हैं, जब मैंने स्विमिंग की है थोड़ी सी वहाँ पर। देखो मगर लेस क्योंकि पता आगे जा रहे थे, आपने मना भी किया मैंने, तो बावजूद अकेले होने से कि यहाँ पर लाइफ गार्ड नहीं है तो हमें आगे नहीं जाना चाहिए। खतरनाक है बिल्कुल, समंदर बहुत खतरनाक हो रहा है। ये फैमिली नहा रही है, खुदा ना खासा इनको कोई बंदा बैठता है यहाँ स्लिप होता है तो घूम के सीधा इधर खड्डे में आएगा, बचना बहुत मुश्किल है। ये देख रहे हो यहाँ पे खड्डा है इस जगह पे, इसमें गिर गया ना कोई वापस नहीं आएगा। हाँ समझ रहे हो, ठीक है, थोड़ा ख्याल करो, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इन बच्चों का ख्याल रखो, ठीक है। तो ये देख रहे हो ना ये खड्डा, इसको थोड़ा सा बचाओ, नहीं समझे, समझ आई बेटा? तो बहुत ख्याल करो, इस खड्डे का ख्याल करना है आपने, ठीक है ना। यहाँ से आगे नहीं जाओ, जहाँ खड़े हो इस जगह पर रहो भाई। आप उधर बढ़ रहे हो तो पानी अब ऊपर आ रहा है, आपको आइडिया नहीं होगा। ये बहुत बड़ा खड्डा है, आगे पूरी पट्टी है खड्डे की, ठीक है। 8:45 हो चुके हैं, बहुत ज़बरदस्त काले किस्म के बादल जो है यहाँ से गुजर रहे हैं, इसकी वजह से फुहार पड़ रही है, बारिश हो रही है, समझो यूँ कह लो कि बारिश शुरू है यहाँ पर। तो मैं आपको किस तरह बताऊँ कि बारिश शुरू है, ये मेरे मुंह पे पानी के कतरे गिर रहे हैं, फुहार पड़ रही है हल्की हल्की, और ये काले बादल आप मेरे पीछे देखें। टर्टल बीच की तरफ मैं खड़ा हूँ, सुबह सुबह का ये टाइम है और तकरीबन 12 बजे तक ये पानी इसका जो है ना वहाँ ऊपर हटों तक पहुँच जाएगा। 12 बजे तक इसका पानी, ये समुंदर का पानी 12 बजे तक, अभी हो रहे हैं तकरीबन 9 होने वाले हैं, समझो 9:15 हो गए, 10, 11, 12, 3 घंटों में ये पानी जो अभी वहाँ तक है, वहाँ से ये पानी वो हटों के अंदर घुस जाएगा, ये हरे रंग के हट लगाए में इनके अंदर घुस जाएगा। लाइफ गार्ड तो नहीं है, हट वाला अपने तौर पे इनको मना कर रहा है कि पानी में आगे ना जाएं। ये हट वाला घोड़े के साथ देख रहे हैं, हट वाला उसको अपने तौर पे मना कर रहा है कि पानी में ना जाएं, पानी की लहरें तेज हैं। वो भी मना कर रहा है, वो हट वाला भी मना कर रहा है, मैंने भी इन लोगों को मना किया, उनकी जो बड़ा है ना, मैंने उनको बोला पानी में नहीं घुसना जब तक लाइफ गार्ड नहीं आए। तो भाई ये लाइफ गार्ड आए हैं, ये दिहाड़ियाँ डिटेल होते हैं अपनी अपनी जगहों पर, इनका कोई कसूर नहीं है, इनका 9 बजे ड्यूटी चालू होती है। तो ये फैमिली ये पानी में घुसी हुई है, रिस्की जगह है, ख़तरनाक जगह ना, ये पॉइंट तो खतरनाक है ना। सबसे पहले ये तीनों यहाँ पहुँच गए हैं। चले बहरहाल शुरू करें, बिस्मिल्लाह पढ़ें, अल्लाह मालिक है, देखते हैं इनको हटाएं ज़रा भाई, क्या पोजीशन है, पानी में अंदर नहीं घुसो। पानी के अंदर है बच्चे, पानी के अंदर हैं, एकदम ढलान है, क्या कितनी ढलान है ये यहाँ से आपको आइडिया हो रहा है। ये ग्रुप नौजवानों का है, इसमें लेडीज़ फैमिली नहीं है, और ये पानी में आगे तक जा के नहा रहे हैं, इनको लाइफ गार्ड मना करके चले गए आगे, ये फिर भी पानी में आगे तक जा रहे हैं। अल्लाह इन पर रहम फरमाए, इनकी हिफाजत फरमाए। आ गए ये बेटा, खड्डा आगे देख लो, आप एक को संभालो, वो तीनों को नहीं संभाल सकोगे ना, आप वो एक को संभाल लेंगे, पानी जब आता है ना बहुत तेज़ी मिल जाता है, तो एक को संभाल लेंगे। हाँ ज़्यादा आगे नहीं, वो लोग खड्डा एकदम खड्डा है यहाँ पर, सही है, आप देख रहे हो ना। मुख्तियार भाई शुक्रिया, मुजाहिद भाई शुक्रिया, मतीनुल्ला भाई शुक्रिया, आप लोगों ने आज मुझे स्विमिंग कराई, मेरे पीछे जो है ना लाइफ गार्ड की ड्यूटी थी, इन 3 भाइयों ने, तो मैंने आज स्विमिंग थोड़ी सी की और अपना स्टेमिना चेक किया जो बिल्कुल स्टेम 0 हो चुका है, तो बहुत शुक्रिया भाई। मैं आया और मैंने बगैर इनके स्विमिंग नहीं की, आप लोग भी हैं तो लाइफ गार्ड से
मदद हासिल करें। मैं डाइवर हूँ, स्विमर हूँ, लेकिन बहुत टाइम हो गया छोड़ी हुई है, इस वजह से मैंने इनकी हेल्प ली कि भैया बाहर मुझे देखना, कुछ मसला मसाइल हो जाए, मेरे रग चढ़ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, मेरी हेल्प कर लेना आप। तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मतीन भाई क्या कहना चाहते हो इस पानी के हालात में? चाहते मैं पूछता ना कि लेट क्यों है? ठीक है, लेट अभी है। चलो ठीक है, आप बताओ मुझे। यहीं से रहता हूँ कक्का विलेज से। फिर आपको ये ना आज चांस पे दिया हाँ पहुँचेगा। नहीं आप क्यों लेट आए हो? आप ओके नहीं किए थे लोगों ने? नहीं मैं, मेरा पॉइंट वहीं पर है, मैं वहीं पर खड़ा हुआ था, आप लेट आ गए यहाँ पर। जी मैं वहीं पर खड़ा हुआ था, बहुत दूर तक काम करती है। चलो ठीक है ठीक है ठीक है। कितना नजदीक है? दे 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 पास है। हो हां